वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पेपर ख़त्म हो गए सबके, तो क्या कर रहे हैं आजकल, आपकी क्या मसरूफियात हैं? ठीक है, अगले टर्म की तैयारी कर रहे हैं या जिनमें फेल होने का ख़तरा है वो कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा आज मैं बहुत खुश हूँ, से पहले मैं बताऊँ आप ये वैसे बात कर ली, बता देनी चाहिए थी आपको। आपको पता चला मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया था, तो मेरी एक ख्वाहिश थी या नहीं पता नहीं, लेकिन थी एक इंटरनल मोटिवेशन के लिए मेरी ख्वाहिश थी कि अब मुझे ना कोई व्हील चेयर यूनिवर्सिटी का जब पेपर देने जाऊँ तो कोई एक मेरा यूट्यूब का चैनल का सब्सक्राइबर कोई मुझे आगे कहे सर मैंने आपको यूट्यूब की का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ। तो वो पहला पेपर हुआ, मुझे कोई नहीं मिला, दूसरा हुआ कोई नहीं मिला, तीसरा हुआ कोई नहीं मिला, चौथे में नहीं मिला, पाँचवें में मिला, छठे में मैंने कहा आप किसने मिलना है भाई, यकीन करें कसम से छठा पेपर में जब देखे बाहर आ रहा तो एक कैंडिडेट मिल गया मुझे, तो एंड सेड के आई हैव सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल एंड आई हैव सीन योर वीडियोज़। तो मैं तो एक दफ़ा हैरान रह गया, मैंने कहा यार मुझे भी कोई करोड़ों की बारी में मुझे भी कोई जानता है, तो एक बड़ी मोटिवेशन भी हुई और बहुत अच्छा भी लगा जब उस कैंडिडेट ने मुझे बताया। तो खैर फिर उसने सवालात पूछे कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्या पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, तो फिर मैंने उसे बताया कि मैं सीएस का स्टूडेंट्स हूँ, बाकी एक सर बिलाल अहमद हैं जो भी यूनसेट के ग्रुप में ऐड है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो लेकिन जो उसके बाद जो मुझे खुशी है ना उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, यू कॉन्ट इवन इमेजिन। ठीक है, तो बहरहाल अभी आपको जैसे कि पता है कि फाइनल टर्म के पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं, उसके रिजल्ट एक महीने तक आ जाएगा मेरे ख्याल में, 19 अप्रैल को आ रहा है कि 25 अप्रैल को, मतलब इन्हीं डेट्स में आ रहा है। ठीक है, तो रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह आ जाएगा, रमज़ान शरीफ में ही आ जाएगा, ईद से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गुल खिलाया है। ठीक है, पास है या फेल है, अगर तो आप फेल हैं ना तो आप वो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ, जिन सब्जेक्ट में आप फेल हैं ना नेक्स्ट सेमेस्टर में आप वही फेल वाले सब्जेक्ट्स दोबारा उठाएँ। रीज़न उसकी ये है कि आपने एक तो वो पहले भी पढ़े हुए होंगे, तो जब दोबारा उठाएंगे तो आप इजीली उसमें अच्छे नंबर ले सकेंगे, क्योंकि नया नया ताज़ा याद किया हुआ होगा वो, फिर आप आगे सेमेस्टर में उठाएंगे तो अच्छे नंबर उसमें ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि नई क्लासेस जो हैं जिनके न्यू एडमिशन हुए हैं वो भी ये नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जो अभी ये बीच का टाइम है ना एक महीना, इसमें आप क्या करें, इसमें मैं अभी एक कल परसों तक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने वीडियो बना लिया है। ठीक है, उसके पहले मैं खुद प्रूफ कर रहा था तो वो प्रूफ मुझे मिल गया, 5 से 6 हज़ार रुपया आप मंथली ईजीली कमा सकते हैं उससे। ठीक है, दो तीन चार घंटे दे दें या 24 घंटों में कोई भी 3-4 घंटे या बार बार वेबसाइट खोल के देखते हैं ना आप वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और थ्रू जैश कैश और इजी पैसा मिलेंगे, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।